अबे तो ये हॉस्टल बनने आया ठीक, तो इधर ये कैंटीन बनेगी। अच्छा, ओ ट्रैवल विद कमल, ट्रैवल विद कमल। हाँ, आज भी फेमस उस जगह जहाँ से दिखाई देती है हिमालय की सारी चोटियाँ। तो गाइस हम जाने वाले हैं ऊपर अगले साइड में, देखते हैं। तब वहाँ कोई प्लान नहीं था, अचानक ही प्लान बना है और हम पहुँच चुके हैं एजेंसी चौक में। ये पूरा एजेंसी चौक है यहाँ पर। आज मैं हूँ आलोक भाई के साथ, मेरी बाइक घर पर ही है, तो मुझे आलोक भाई मिले तो मैंने कहा चलो थोड़ा लोकल ट्रिप मारते हैं आज। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सुहावना है मौसम, बारिश भी नहीं है। अब 2-4 दिन से बारिश थी लगातार, तो अब हो चुका है मौसम काफ़ी अच्छा, सनी सनी, और ठंड भी अब काफ़ी कम हो चुकी है। तो बात है कुछ ऐसी, हमारा प्लान बन चुका है राखी जाने का, और धूप तो यहाँ बहुत ही कम आई हुई है क्योंकि पेड़ हैं बड़े बड़े, औसम बिल्कुल। वाह व्हाट व्यू! और जो है राशि में आपको बता दें, जो नया स्टेडियम रिनोवेट हो रहा है, काम चल ही रहा है लगातार। और यह है कंडोलिया का पार्क, ये कंडोलिया का पार्क है, अभी बंद ही है कोरोना के चक्कर में, बट कुछ टाइम बाद खुली जाएगा। गर्मियों में यहाँ काफ़ी घूमने के लिए आते हैं पर्यटक। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ कमल एंड यू आर वॉचिंग ट्रैवल विद कमल। तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज आया हूँ मैं राशि स्टेडियम, बने रहे वीडियो के साथ। तो इस टाइम पे यहाँ क्या काम चल रहे? अबे तो ये हॉस्टल बनने आया ठीक, तो इधर ये कैंटीन बनेगी। अच्छा, मतलब इसके पीछे मकान बन गए, हॉस्पिटल, और फिर ये अच्छा हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। हॉस्पिटल नहीं, हॉस्टल, हॉस्टल। अच्छा हॉस्टल, ओके ओके। और ये जो है नाली है, इस फील्ड का पानी बारिश का नाली में होकर बाहर निकलेगा। अच्छा, किचन है, फील्ड में माल पड़ेगा। ठीक है ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं यूपी रामपुर। अच्छा रामपुर से। अच्छा इधर इंडिया। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं राशि स्टेडियम में, आप देख सकते हैं बाहर का व्यू है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर आए थे हम, बट अभी यहाँ पर बंद हो चुका है, काम चल रहा है। द वर्क इज अंडर प्रोग्रेस राइट नाउ। स्टेडियम बंद कर रखे हैं आजकल ना, क्योंकि काम चल रहा है ना अभी। यहां से एक वो बता रहे थे कोई दूर। हाँ हाँ, टेलीस्कोप यहाँ पे आ गया है, कंडोलिया जाओगे ना यहाँ पे, कंडोलिया साइड, कंडोलिया नीचे है इधर इधर, यहाँ से तो सामने दिखेगा, बट रोड से जाओगे वहाँ पे है। रोड से यहाँ से कितनी दूर है? 1-1.5 किलोमीटर हो गया ना। कंडोला तो हम पहुँच जाएंगे। अच्छा मंदिर चले गए आप? मंदिर नहीं, आगे जाना है सीधा, जो रोड वहाँ के लिए जाती है कोटद्वार के लिए, मंदिर से आगे जाना। हाँ जी, अभी बट बंद ही है क्योंकि आजकल मौसम साफ नहीं है, तो तब खुलता है। जैसे मौसम साफ, आपके भाई रहते हैं ना एक कैंटीन वाले, तो वो दिखा देंगे आपको, उन्हें बोलना पड़ेगा आपको कि हम दूर से आए हैं। तब तो दूरबीन में क्या दिखाया जाता है? हाँ ये कार्ड है उनका, दूरबीन में ये दिखता है ना, ये हिमालय की जो भी चोटियाँ जितनी भी हैं यहाँ पे, ये पूरा हिमालय दिखता है वहाँ से। हाँ यहीं पर, ये कंडोले पास में, कंडोले से आगे थोड़ा 1.5 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना
ना नीचे 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 तो हम आए हैं। हाँ उधर दूसरी वाली रोड जाती है ना उधर। अच्छा अच्छा आप पुलिस में हो क्या? हाँ होमगार्ड से। अच्छा 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 नो ओ ट्रैवल विद कमल। ट्रैवल विद कमल गाइस अभी आए हुए थे हम रांची स्टेडियम में। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है रांची स्टेडियम का गेट। एक्चुअली यहाँ पर काम चल रहा है तो हम अभी अंदर नहीं जा सकते। और अभी एक गार्ड से बात हुई है तो बोल रहे हैं कि 2024 तक ये स्टेडियम काफ़ी अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर रहने के लिए भी होगा और जो एथलीट आएंगे बाहर से प्रैक्टिस करने के लिए उनके लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आलोक भाई भी अपना वीडियो बना रहे हैं। टाइम पे यहाँ पर रेलवे का काम भी होगा। अच्छा यहाँ पे रेलवे काम मतलब कैसे? मतलब यहाँ श्रीनगर से फिर यहाँ पूरा वो हो जाएगा ना ट्रेन हो जाएगा आना, मतलब ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। अच्छा हाँ ये बोल रहा हूँ। हाँ तो आने वाले टाइम में जैसे कि श्रीनगर में रेल ट्रेन आ जाएगी तो वहाँ से पौड़ी आने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी लोगों को। और आप देख सकते हैं यहाँ से श्रीनगर भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। और सामने है श्रीनगर और यहाँ पर आगे किंग कालेश्वर महादेव का मंदिर भी है, श्री जी का मंदिर भी है। और ये जो स्टेडियम है ये एशिया का सेकंड हाईएस्ट स्टेडियम है, शहीद राइफल मैन जसवंत सिंह महावीर चक्र स्टेडियम रांची स्टेडियम पौड़ी। और मैं बता दूं आपको कि जो पौड़ी है सी लेवल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। और जो भाई लोग अभी हमें यहाँ पर मिले थे स्टेडियम में तो वो हरियाणा से आए हुए, एक्चुअली उनकी ड्यूटी लगी है इलेक्शन में। तो उनमें से एक भाई का नाम है रोहित भाई, तो उनसे हमारी काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं उस जगह जहाँ से दिखाई देती है हिमालय की सारी चोटियाँ। अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो है वाइट पीक, बंदरपूछ, येलो टूथ, स्वर्गारोहणी ग्रुप, गंगोत्री ग्रुप, केदारनाथ, भरत ट्रैक, कुंट, चौखंबा और कुलिंग कुमलिंग, नीलकंठ, गौरी पर्वत, हाथी पर्वत, त्रिशूल। तभी मौसम इतना साफ नहीं है। ये जो सारी चोटियां हैं ये सामने दिख रही हैं पूरी, यहाँ से और वहाँ तक पूरा हिमालय ग्रुप है, हिमालय पर्वत है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये है चौखंबा पर्वत और केदारनाथ जो है यहाँ पर है। ये केदारनाथ वो वाला पर्वत है जो केदारनाथ से दिखाई देता है और इसके बिल्कुल नीचे है केदारनाथ। तो मौसम थोड़ा ख़राब है तो इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जो मेन जगह यहाँ से दिख रही है सामने देख सकते हैं आप, यह है कठली गांव और इधर ऊपर है चौबट्टा और किरसु और ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं यह है सुमाड़ी वाली रोड, इधर सुमाड़ी गांव है ये और ये श्रीनगर और चंद्रबदन भी यहाँ से दिखाई देता है। वैसे चंद्रबदन है उस साइड ऊपर किंग कालेश्वर कंडोले पीछे जहाँ पे वो है आगे मंदिर। हाँ वहाँ सामने इस रोड में जाते रहे ना मंदिर ही है फिर। आप गए क्या मंदिर में? हाँ मंदिर से आ रहे हैं। अच्छा यहाँ स्टेडियम रास्ते गए थे, यहाँ से मंदिर किसी से पूछा होगा आपने? हाँ वो स्टेडियम आ रहे हैं, हमारे कोई पूछेगा तो हम बता देंगे वहाँ रास्ता है। एक और मंदिर से यहाँ भी गए कंडोले मंदिर में? नहीं यहाँ देख सकते हो, वहाँ भी काफी फेमस मंदिर है आप जाते हो। तो फिर यहाँ पे एक जगह से क्या है हिमालय की बड़ी है लगी वहाँ पे आगे। आप यहाँ से लोकल ही हो गए? हाँ लोकल ही है इधर के। केदारनाथ तो आप केदारनाथ साइड में? नहीं उधर नहीं, ये सामने केदारनाथ गए नहीं। हाँ ये वो दोस्त बैठा वो गए हुए। अच्छा तो यहाँ मतलब इलेक्शन ड्यूटी तक हो आप लोग यहाँ? हाँ 14 तक और 15 को निकल जाएगा सुबह। हाँ 15 को सुबह यहाँ पहाड़ी रेम पहली बार आ रहे हो? हाँ नहीं आया तो मैं उत्तराखंड में, हमारे रिश्तेदार रहते हैं। कौन सी? अपने काशीपुर में। काशीपुर तो उधर तो फिर भी इतना प्लेन से प्लेन है, इतना ज़्यादा नहीं है।
वहाँ रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा, दोनों साथ। तो यहाँ कितने तारीख आए आप लोग? ना पानी कौन थे भाई, हम परसों से चले थे वहाँ। अच्छा। रात आए थे सुबह यहाँ पे 5:30 5:30 पहुँचे। एक दो दिन पहले आते थे इधर, आप लोगों को बर्फ मिलती पूरी? हिमालय पास में ही है ना, इसलिए ठंड होती है काफी। देखने में पास लग रहा है, तो बहुत दूर लगेगा। 180 किलोमीटर है यहाँ से केदारनाथ। ये 180 किलोमीटर टोटली, बस 180। ये है ना चौखंबा, बता रहे थे 500 ना, 500 नहीं 180 है। ये वाला ना, ये चौखंबा पर्वत है, ठीक है, चार दिख रहे कोने कोने, ये वाला बड़े वाला। और इसके इधर जो ये ऊंचा पर्वत है, ये वाला है केदारनाथ का। उसके नीचे केदारनाथ है, अभी तो बंद है, पर वहाँ के लोकल लोग चले जाते हैं। अभी बर्फ पड़ी है ना, बर्फ पड़ी 10-10 फीट बर्फ पड़ी है वहाँ पे, पूरे लिख रहे हैं इसमें। सब पहाड़ों के नाम है, ये हर बार ऐसे ही रहते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं, ऐसे बस ये है कि ऊंचे नीचे हो जाएंगे, थोड़े बर्फ पड़ जाती है ना। अभी जो बर्फ पड़ने के लिए जाने कब देखते हैं, एकदम अप्रैल में स्टार्ट होगा, 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा और चलेगा ये सितम्बर तक। बर्फ तो रहती है, पर यह है कि सर्दियों में ज्यादा रहती है, उस टाइम थोड़ा कम रहती है। फिर आजकल कपाट वगैरह भी बंद है ना वहाँ मंदिर के, केदारनाथ मंदिर के, ज्यादा मंदिर देखने जा रहे हैं, कपाट कभी खुलते हैं अप्रैल में। बढ़िया, देखने वाला मंदिर है। हाँ, मंदिर तो अच्छा है। यहाँ तो आएंगे उत्तराखंड में, ऋषिकेश साइड, ऋषिकेश तक आए हैं, हरिद्वार आए हैं, कावड़ में आएंगे। यहाँ के लोग यहाँ के लोग भी जाते कोई कावड़ में, कोई भी बहुत कम, मैंने ये लेवल एक दो, ये तो दूर के ज्यादा लोग, दूर के ढोल होते हैं ना। हाँ वही, हाँ हमारे पास मेडी है, गोगा मेडी है, सुना होगा आप, गोगा मेडी का नाम सुना, मैं रहता था पहले उधर ही, गए थे होंगे। यूपी में भी है, पर यूपी में काफी मानते हैं ना, यूपी बिहार इतनी दुनिया आती है, हम आज तक नहीं गए वहाँ पे। अच्छा, ट्रेनों में ना गोगो मेडी का मंदिर बहुत सारे हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ टाइम नहीं मिलता, गोरखधाम किला वो सब। अभी मोदी जी भी आए थे अभी कल श्रीनगर, ये सामने श्रीनगर है, कौन सा ये जो दिख रहा है यहाँ सामने भी जाता है चार धाम के लिए आगे, ये चार धाम वाला जो चला ना, श्रीनगर तो अलग नहीं पड़ता क्या ना, वो जम्मू वाला, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये श्रीनगर गढ़वाल है, श्रीनगर गढ़वाल, ये काफी घर से दिख रहे हैं। हाँ, तो मैंने यहीं से जाते हैं केदारनाथ के लिए, यहीं से इससे थोड़ा इधर पीछे चले जाते हैं, देवप्रयाग पड़ता है ये, मैंने हरिद्वार वाला रूट है, देहरादून वाला। अच्छा, एक तो ये है कोटद्वार वाला जो वहाँ मिल जाता है प्लेन्स में, एक ही वाला है भाई। जिस तरह आप वहाँ मैदान में एरियो में जाओ तो मैदान देखो भाई, इस तरह से मतलब ज़्यादा हम यहाँ पार। हाँ वही है, हमारे को कोई मन में ही नहीं वैसे जमतल एरिया ऐसा। ये श्रीनगर फिर टीरी डैम सुना होगा आपने ना, टीरी डैम, टीरी डैम ये लग ये वाली पहाड़ियाँ ना वो लास्ट में दिख रही है, उधर टीरी डैम है, श्रीनगर में भी है वैसे डैम, नए नए डैम बने हुए भी। बाकी इधर ना जंगली जानवरों का इतना नहीं डर है, बहुत डर क्यों है भाई, क्यों? हाँ, मैं तो रात को किसी जानवर की आवाज नहीं देखी आपने देखा, हम तो डेली देखते हैं, क्यों गड्ढे को नहीं अंदर ले हम, तो मूत्रकण का तो रुका, वही तो अचानक चित, मतलब ये है कि अचानक ये नहीं है कि अब देखी जाएंगे, हम डेली देखते हैं, गाड़ी आगे खड़ा बाघ होता ना लेपटते हैं तेंदुआ, डेली डेली दिखाई देता है, मैं डेली यहाँ पे स्पोर्ट्स भी बात कर रहे हैं, स्काउट्स कहाँ पे हैं, ठीक है भाई जी, मिलते हैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम यहाँ पर टेका रोड में, तो काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है यहाँ पे, मौसम ठंडा नहीं है। और ये देख सकते हैं सामने, ये उजियाड़ी गांव, काफ़ी बड़ा गांव है। तो गाइस अभी मिल चुके हैं हमें टोनी भाई, जो कि अभी थोड़ा देर बैठने के बाद जाने वाले हैं। से हाय। हाय गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।